हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। दो फील्ड्स को एक साथ कॉनकैटिनेट, एक साथ जोड़कर कैसे लेके आ सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ओपन किया है और यहां से व्यू पे हमें चलना है। ये टेबल वन आ रहा है, चलिए टेबल वन ही रहने देते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। यहां पर यह प्राइमरी की है जिसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो यहां पर आते हैं और यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्चुअली प्राइमरी की को ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ रोल नंबर। ये लिख दिया मैंने रोल और फिर लिख देता हूँ नंबर। तो ये प्राइमरी की रोल नंबर को बना दिया। प्राइमरी की पर बस ये बात ध्यान दीजिएगा कि ऐसी चीज को प्राइमरी की बनाइएगा जो कि यूनिक हो, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, क्या लिखता हूँ फर्स्ट नेम, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया नेम। तो ये लिख दिया फर्स्ट नेम और फिर यहाँ पे देते हैं लास्ट नेम। इसका डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, अगर आप 2007 यूज करते हैं तो वहां आपको सिर्फ मिलेगा टेक्स्ट, ओके। तो ये कर दिया लास्ट नेम, तो यहां लिख देता हूं एल ए एस टी लास्ट और फिर लिख देता हूं नेम। तो ये हो गया लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद आइए आप समझते हैं कि दोनों ही को एक साथ जोड़ के कैसे लेके आ सकते हैं। हालांकि ये बात मैंने पहले भी बताई है। तो यहाँ पे ओके किया हमने, यस किया, तो यहां पर रोल नंबर आ गया है और ये है फर्स्ट नेम और ये है लास्ट नेम। तो चलिए यहां पे डालते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो पहला नाम हम डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे डाल दिया राम और फिर आगे आए अगले वाले फील्ड में यहां लिख दिया सिंह। तो ये दो बार हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर किया। यहां पर रोल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि हमने ऑटो नंबर लिया हुआ है। यहां पर लिख दिया सचिन त्रिपाठी, लिख देता हूँ ये त्रिपाठी। तो ये लिख दिया इस तरीके से। तो दो एग्जांपल तो काफी हैं, इसी में हम लोग देख लेंगे। तो ये हमने कर दिया ओके। और अब हम एक क्वेरी बनाते हैं, क्वेरी, ठीक है, क्वेरी बनाते हैं। तो क्रिएट पे चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं। तो ये आ गए क्वेरी डिजाइन पर और ये टेबल वन को यहाँ ऐड करवा लेते हैं। तो ये ऐड करवा लिया हमने और ऐड करवाने के बाद ये सारे फील्ड्स हमें चाहिए, तो सारे फील्ड्स आप चाहे तो ले सकते हैं या फिर जो भी आपको जरूरत हो अपने जरूरत के मुताबिक भी फील्ड्स ले सकते हैं। यहां पर एक अलग से फील्ड हम क्रिएट कर देते हैं, लाइक यहां पर मैं क्रिएट कर देता हूं कॉनकैट। कॉनकैट के नाम से एक नेम दे देता हूं, फील्ड को नेम दे देता हूं अलग से, एक क्वेरी में हम बना रहे हैं इसको। और यहां पर हमें बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये बना लिया स्क्वायर ब्रैकेट। अब मान लीजिए हमें रोल नंबर को लेना है, ठीक है, तो ये लिख लिया रोल नंबर। तो रोल नंबर के साथ साथ हमें और क्या क्या चीजें चाहिए वो भी इसमें हमें ऐड करनी है। इसके साथ आप एंड लगाएंगे, ये एंड का सिंबल इस तरीके से कुछ आएगा। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम लेना है, ठीक है। एंड लगाने के बाद जैसे ही एंड लगाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना करके लिखिएगा फर्स्ट नेम, ठीक है। ये लिख दिया फर्स्ट और फिर लिख दिया नेम, तो फर्स्ट नेम लिख दिया। अब इसको बंद किया, अब फिर एक बार और एंड लगाते हैं। तो ये एंड लगाया, अब लास्ट नेम भी तो बचा हुआ है तो लास्ट नेम भी ले लेते हैं। ये लिख दिया लास्ट और फिर लिख दिया नेम, तो ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया और रोल नंबर तो हमने पहले ही ले लिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद यहां से रन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही रन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा डेटा आपका कॉनकैट होकर आ चुका है, कॉनकैटिनेट होकर आ चुका है, यानी एक साथ आ गया है। और रोल नंबर वन ये भी दिखा रहा है राम सिंह। अब राम अलग एक फील्ड नेम हमने दिया था फर्स्ट नेम में और सिंह अलग दिया था, तो ये एक साथ आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसके बीच में गैप भी इंक्लूड करना चाहते हैं, गैप देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए इसको थोड़ा सा जूम व्यू पे लेके दिखाता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा ऑब्वियस तरीके से ये दिखे। तो इसको मैं ले लेता हूं जूम व्यू पर, ठीक। अब ठीक है, तो यहां पर अगर हमें गैप देना है तो हमें क्या करना होगा, यहां पे हमें डबल इंटेड कोट्स का यूज करना होगा और यहां पर जितना आप गैप देना चाहते हैं उतना गैप दे दीजिए। और यहां पर देखिए रोल नंबर और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसके ठीक बाद एक बार और एंड लगा दीजिए। ये एंड लगा दिया, अब देखिए इन दोनों के बीच में रोल नंबर और फर्स्ट नेम के बीच में थोड़ा सा गैप आएगा। तो जैसे ही ओके करेंगे और यहां से रन करेंगे तो रोल नंबर और फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में थोड़ा सा गैप बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में गैप चाहिए, तो वापिस से इसको हम लेते हैं यहां पर और वापिस से आ जाते हैं, इसको जूम व्यू पे ले लेते हैं। जूम व्यू पे ले लिया, अब यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में गैप चाहिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो यहां पर आ जाते हैं फर्स्ट नेम के ठीक बाद आ जाते हैं, ब्रैकेट क्लोज हुआ है, यहीं पर आ जाते हैं हम और डबल इंटेड कोट्स को ओपन करते हैं और यहां पर डबल इंटेड कोट्स को क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया, इसके ठीक पहले लगा लीजिए एम परसेंट, इसके ठीक पहले लगा लीजिए एंड
ये लगा दिया और यहां से ओके किया और फिर रन करवा लिया। तो अब आप देखेंगे कि इन तीनों के बीच में गैप आ रहा है, तो ये वो तरीका है जिससे आप गैप भी दे सकते हैं और कॉनकैटिनेट भी करा सकते हैं। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।